Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोविड-19 के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे बीच भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में एक और चीन के वायरस के खतरे को लेकर आगाह किया है। कोविड-19 की लड़ाई के बीच चीन के एक अन्य वायरस से भारत में बीमारी होने की संभावना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के वैज्ञानिकों ने भी वायरस कैट क्यू वायरस नाम का एक और वायरस की खोज की है, जो देश में बीमारी पैदा करने की क्षमता रखता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने वायरस कैट क्यू वायरस नामक एक और वायरस की खोज की है, जो इस देश में बीमारी पैदा करने की क्षमता रखता है। ये वायरस ऑर्थोपोड जनित वायरस की श्रेणी के अंतर्गत आता है और सुअर और क्यूलेक्स नाम के मच्छरों में पाया जाता है। चीन और वियतनाम में बड़े पैमाने पर इससे ग्रसित लोग पाए जाते हैं। जिन दो लोगों के सीरम सैंपलों में एंटी CQV-IgG एंटीबॉडी मिलने की पुष्टि हुई है, वे दोनों कर्नाटक में लिए गए थे। उनके दोनों के सैंपल में 2014 और 2017 के लिए लिए गए थे। इस बारे में ICMR के मेडिकल पत्रिका IJMR ने कहा कि मानव सीरम सैंपल में एंटी CCQ-IgG एंटीबॉडी मिलने के मीनी के संबंध टेस्ट किए गए थे और मच्छरों में CQV के रिफ्लेक्शन की जांच की गई थी। इससे संकेत मिलता है कि भारत में CQV से होने वाली बीमारी फैलने की संभावना है, इसलिए रक्षात्मक नीति के तहत अधिक से अधिक लोगों के स्क्रीनिंग स्वाइन सुअर सीरम सैंपलों की जांच की आवश्यकता है, ताकि 10 उष्णकटिबंधीय वायरस के प्रसार के बारे में जाना जा सके। ICMR के वैज्ञानिकों ने कहा है कि CQV फैलने वाले मच्छरों में जिनमें प्राइमरी मैमेलियम होस्ट सुअर है का होना और जंगली मैन में इस वायरस का मिलना एक संभावना की ओर ध्यान दिलाता है कि भारत में इस ऑर्थोबोन वायरस से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में CQV के लिए मॉलिक्यूलर और सीरोलॉजिकल टेस्ट डेवलप करने, लोगों और सुअरों की स्क्रीनिंग करने, मच्छरों में इसके रिफ्लेक्शन की जाँच करने की ज़रूरत महसूस हुई है, ताकि आपातकाल की स्थिति में पहले की तैयारी की जा सके।